पश्चिम बंगाल की अब बात करेंगे, जहां पर कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए पश्चिम बंगाल में इस महीने 3 दिन का लॉकडाउन रखा गया है। आज उसका पहला दिन है। हमारी संवाददाता मनोगया लोहिवाल बता रही है कि किस तरीके से कोलकाता में इस वक्त लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इस महीने 3 दिन का लॉकडाउन किया है, लेकिन ये अलग होगा क्योंकि गुरुवार, शनिवार और अगले बुधवार इस लॉकडाउन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसका मतलब है कंप्लीट लॉकडाउन। सड़कों पर सिर्फ कुछ गाड़ियां नजर आएंगी। इस समय कोलकाता में, दक्षिण कोलकाता के बालीगंज इलाके में पूरी तरह से गाड़ियों की संख्या आपको दिखेगी कि नहीं है। ऐसे में जहां एक और कोलकाता पुलिस के कर्मचारियों को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जितना हो सके हर गाड़ी को चेक करें और ये जानकारी लें कि आखिरकार वो गाड़ी अगर एसेंशियल सर्विसेज के साथ नहीं है तो सड़कों पर क्यों है। तो वहीं साथ ही साथ गाड़ियों को रोक कर आने जाने वालों को चेक किया जा रहा है। और इन सब के बीच में लॉकडाउन को अगले जितने दिनों तक इस महीने रखा जाएगा, उसके बाद अगले महीने की प्रक्रिया फिर एक बार की जाएगी। एसेंशियल सर्विसेज को इससे बाहर रखा गया है, लेकिन बाकी कोई भी अगर निकलेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन तपन नस्कर के साथ मनोज्ञा लोहिवाल, कोलकाता आज तक। तो 3 दिन का ये लॉकडाउन पश्चिम बंगाल में, लेकिन इसमें 1 दिन का बीच में गैप दे दिया गया है। शुक्रवार को लॉकडाउन नहीं होगा, आज यानी कि गुरुवार को लॉकडाउन है, फिर शनिवार और इतवार को लॉकडाउन है। मनोज्ञा लोहिवाल बता रही थी किस तरीके से जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनसे चालान वसूला जा रहा है। हालांकि ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरीके से सिर्फ 3 दिन का लॉकडाउन कोरोना को की चेन को तोड़ सकता है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर लॉकडाउन को कुछ वक्त तक रखा जाए तब उसका असर दिखना शुरू होता है। ऐसे में 3 दिन का सिर्फ लॉकडाउन किस तरीके से जायज है, ये दरअसल आने वाला वक्त बताएगा। कि पश्चिम बंगाल में लगातार अलग अलग जगहों पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, संख्या मरीजों की बढ़ रही है, ऐसे में चेकिंग की जा रही है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग लॉकडाउन जो कि 3 दिन का है उसका पालन करें।